हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? अच्छे ही होंगे क्योंकि अभी ना गर्म ऋतु आई है, लेकिन ठंडा खाने का मन सबको होता है और सबको पसंद भी होता है, तो सब खाते ही है। ठंडी ठंडी छाछ, आइसक्रीम, सोडा तो खाना ही चाहिए, लेकिन सेहत का ध्यान रख के। तो मैं अभी बहुत दिनों से, मुझे एक व्हाट्सएप में मैसेज आता था मेरी फ्रेंड्स का, कई सारी फ्रेंड्स का, कि तुमने बाजरे के आटे की जो राब बनाई थी और लोग डाला था, तो उसमें तुमने लिखा था कि इससे माँ का दूध बढ़ता है। तो अगर तुम्हें ज़्यादा जानकारी हो तो तुम प्लीज़ हमें बताओ। तो आज मैं इसी बात पर आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि माँ का दूध कैसे बढ़ाया जाए। जो जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है, जो अपने बच्चे को फीडिंग कराना चाहती है, या माँ का दूध ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, मेरा बच्चा उससे खुश होगा कि नहीं, उसे पूर्ति मात्रा में बच्चे को दूध माँ का मिलेगा कि नहीं, यह सब चिंता तो होती है, मुझे भी थी। तो मुझे जो जानकारी है, जिसका मैंने यूज़ किया है, मेरा दूध बड़ा था मेरे बच्चे के लिए, तो वो सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो पहली तो चीज़ जिसमें मैंने आगे लोग डाला ये बाजरे के आटे की राब का, तो मैं सिर्फ उसे बोलकर बताती हूँ कि आपको 2 चम्मच या 1.5 चम्मच बाजरे का आटा लेना है, उसमें आधी चम्मच घी डालनी है, उसे सेकना है, रोस्ट करना है। जैसे ही वो ब्राउन हो जाए, उसका रोस्ट होने का स्मेल आए, तो साथ बाजू में साइड में एक तपेली में आप गुड़ डालिए, आपको जितना मीठा पसंद हो उतना ही। और वो पानी गर्म कीजिए, 1 ग्लास पानी गर्म कीजिए उसमें, और फिर उसे जैसे ही बाजरे के आटे को रोस्ट हो जाता है, वो गुड़ वाला गर्म पानी है वो आप उसमें डाल सकते हैं। लेकिन बच्चे को खिलाने के लिए मैं उसमें अजवाइन नहीं डालती थी और सूंठ भी नहीं डालती थी। तो आप एक माँ को दूध बढ़ाने के लिए उसके अंदर गर्म चीज़ें छाने की ज़रूरत होती है। बाजरे का आटा भी गर्म होता है, तो आप उसमें थोड़ी सी सूंठ डालिए, थोड़ी सी, और थोड़े से अजवाइन भी डालिए। तो वो गुड़ वाला पानी होता है ना, उसमें उसमें उबालिए ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके भी जो तत्व है वो गुड़ वाले पानी में मिक्स हो जाए। और वो पानी आप बाजरे के आटे में डालिए, उसे हिलाइए, एकदम हिलाते रहिए, उसमें गट्ठे नहीं रहने चाहिए, एकदम स्मूथ होना चाहिए, एकदम लूज़ भी नहीं और एकदम थिक भी नहीं, ऐसा आपको बनाना है। और एक पूरा कटोरी भर के, पूरा कटोरी भर के, यानी कि इतना, इसे हम तांसरी बोलते हैं, ये तांसरी है हमारी देसी भाषा में, हम तो इसका यूज़ करते हैं। तो आपको भी एक इतना खाना है, हर 1 घंटे में आपको बाजरे के आटे की राब को इतना खा ही जाना है। आप फिर देखिए फटाफट से आपका मिल्क कैसे बढ़ता है, आपको खुद फील होगा कि देखो मेरा मिल्क बढ़ा हुआ है। एक पेरिनोम गोली भी आती है जो मुझे लिख दी थी मेरे मेरे डॉक्टर ने, पेरिनोम, लेकिन वो ज़्यादा नहीं खा सकते, उससे आपको चक्कर आएगा, आपको कंपन भी होगा शरीर में, बॉडी में, और वीकनेस लगेगी, तो आप उसे ज़्यादा नहीं खा सकते, तो उसका यूज़ मत कीजिएगा। फिर दूसरी चीज़ है, हर लेडी को पता है कि नारियल खाने से मिल्क बढ़ता है, लेकिन वो एक गलती कर देते हैं। कौन सी गलती? वो सूखा वाला नारियल बाजार से लेकर आ जाते हैं, ऐसा नारियल जिसमें आप नाखून से दबाओगे ना, तो उसमें दूध नहीं निकलेगा, उसमें क्या निकलेगा? ऑयल निकलेगा। क्योंकि बाजार में क्या करते हैं, स्टोर करना होता है उसे, तो वो स्टोर करने के लिए सूखा वाला नारियल अपने पास रखते हैं। माँ को दूध बढ़ाने के लिए सूखा वाला नारियल नहीं, आपको कच्चा वाला नारियल लेकर आना है। कैसा नारियल? कच्चा वाला नारियल मतलब कि आप नाखून लगाओगे तो उसमें से रस निकलेगा, उसका मिल्क निकलेगा, उसे आप छिलेंगे तो नीचे उसका रस यानी कि दूध निकलेगा। वो नारियल आप खाओगे तो आपका दूध बढ़ेगा, वो सूखा वाला नारियल खाओगे तो आपका ऑयल बढ़ेगा। आपके बच्चों के लिए ऑयल की ज़रूरत नहीं, आपके बच्चों के लिए दूध की ज़रूरत है। तो ऐसे कच्चा नारियल खाओ और वो भी गुड़ के साथ खाओ। अगर आपको थोड़ा सा आपका गर्म होता है कोठा, आपको गर्म लगता है, तो थोड़ा सा गुड़ कम खाइए। लेकिन मैं तो बोलती हूँ, अगर आपको गुड़ से कोई तकलीफ़ ना हो तो आप गुड़ ज़्यादा खाइए। गुड़ से आपका हीमोग्लोबिन बना रहेगा, आपके मिल्क में भी हीमोग्लोबिन बना रहेगा, और मिल्क थ्रू आपके बच्चों में भी हीमोग्लोबिन बढ़ा रहेगा, तो सेहत माँ बेटे की, दोनों की, माँ बच्चे की अच्छी ही रहेगी। तीसरी चीज़ क्या है, अगर अब आएगी सूखे नारियल की बारी। हाँ, तो सूखे नारियल की बारी कैसे आएगी? तो आपको एक सूखा नारियल लेना है, 50 ग्राम खसखस के दाने लेने हैं, और दिल के दाने जो हम सुआ बोलते हैं ना, वो 50 ग्राम खसखस के दाने, 100 ग्राम नारियल का खमण, और 50 ग्राम सुआ के दाने, और आपका टेस्ट के अनुसार आप उसमें चीनी डाल सकते हैं। चीनी कैसे डालना है वो, उसे आप ऐसे ही डाल सकते हो, छोटे छोटे दाने हो तो चीनी को ऐसे ही डाल दो, और अगर बड़े दाने हो तो उसका पाउडर बनाकर उसमें डाल दो। लेकिन पहले आपको नारियल को है साइड में रख देना है, खसखस के दाने को और सुआ के दाने को थोड़े से रोस्ट करने हैं, क्योंकि खसखस जो होता है वो स्मूथ होता है,
वो तीनों को आपको ऐसा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा साथ में। अगर आप खसखस और सुहाग को थोड़ा सा रोस्ट कर लोगे तो आपका जो ये मुखवास बन रहा है एकदम टेस्टी बनेगा। ये मुखवास आपको दिन में 8 बार खाना है, 1.5 चम्मच हर 1 घंटे में आपको ये मुखवास का दाना खाना है। इससे क्या होगा कि अब जैसे ही अभी आपने ये मुखवास खाया तो 15-20 मिनट में आपको अभी अपने बच्चे को, आपको पता है कि आपने अभी आपको बच्चे को फीडिंग करवाया है, बाद में आपको 3 घंटे के बाद बच्चे को फीडिंग करवाने के लिए डॉक्टर कहते हैं, लेकिन बच्चा जो होता है वो एकदम कच्चा होता है, उसका तलवा भी कच्चा होता है तो वो ज़्यादा पेट भर के नहीं पी सकता, चूस चूस कर उसका मुँह थक जाता है तो वो आधा ही छोड़कर सो जाता है। तो आपको 1.5 घंटे के अंदर जब भी वो भूखा हो तो आप उसे फीडिंग ज़रूर करवाइए। तो आपको हम 1 घंटे के बाद फीडिंग करवाना है तो अभी आप 1 चम्मच ये नारियल का जो खमन बनाया है उसे खा लीजिए, पूरी मात्रा में आपका दूध मिलेगा। फिर एक चीज़ है मेथी के दाने। मेथी के दाने में बहुत सारी औषधि होती है तो वो इसमें भी काम करती है। आपको मेथी के दानों को भिगोना है, शाम को भिगोना है और सुबह उसे 1 चम्मच खा जाना है। इससे आपका पेट में जो गैस बनेगा वो भी निकल जाएगा, आपका मिल्क भी बढ़ेगा, मिल्क में उसकी औषधि आएगी तो आपके बच्चे को भी गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके बच्चे को 5 महीने तक, यानी कि जब तक वो हिल डुल नहीं सकता अपने आप, जब वो अपने आप हलन चलन करेगा, आगे पीछे होगा, ऐसे तो उसको गैस की कम प्रॉब्लम होगी, लेकिन 5 महीने तक हर बच्चे को गैस होता है दूध से। तो आपको क्या करना है, मेथी के दाने खाएंगे तो वो आपके मिल्क में जाएगा, मिल्क तो बढ़ेगा ही, मिल्क में भी जाएगा, मिल्क के साथ आपके बच्चों के भी पास जाएगा तो बच्चे को गैस नहीं होगा। तो मेथी के दाने 1 चम्मच हर रोज़ शाम को भिगो कर सुबह खा लेना है। फिर दूसरी उसके बाद चीज़ है मेथी, कच्ची मेथी, पत्तों वाली मेथी, पत्तों वाली कच्ची मेथी का मेथी की सब्जी बनाइए आप। और बाजरे का जो रोटी बनती है, बाजरे की रोटी हर कोई खाता हो या नहीं खाता हो, लेकिन हमारे यहाँ तो सब बाजरे की रोटी ही खाते हैं। 6 महीने तक माँ जो है वो बाजरे की रोटी ज़्यादा खाती है क्योंकि गेहूँ के आटे से बच्चे को पेट दर्द होता है। तो बाजरे की रोटी खानी है, गर्मा गर्म खानी है, मेथी की सब्जी के साथ या बैंगन की सब्जी के साथ, बैंगन भी खाओगे बैंगन से भी आपको गर्मी मिलेगी और आपके बच्चे के लिए आपका मिल्क बनेगा। तो वो अभी आपको गर्मी ही खाना है। एक बात मैं ज़रूर बताऊंगी, हर माँ के लिए पूरे परिवार की टेंशन छोड़ दो, फिर सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चे का ही ध्यान रखो कि मुझे मेरे बच्चे के लिए क्या करना है। परिवार बड़ा है, अपने आप कर लेगा, तो आप अपना और बच्चे का ध्यान रखो। कभी कभी क्या होता है कि आप खाना पकाती है तो बाद में बच्चा रोता है तो बच्चे के पास चली जाती है, या परिवार में कुछ और प्रॉब्लम हो या और कुछ काम हो तो वहाँ चली जाती है। आपका बनाया हुआ खाना जो है वो ठंडा हो जाता है। ठंडा खाना खाओगे तो सिर्फ आपका पेट भरेगा, आपको संतोष होगा, लेकिन मिल्क नहीं बढ़ेगा। मिल्क बढ़ाने के लिए आपको हमेशा, जब तक आपके बच्चे को आपको फीडिंग करवाना है तब तक आपको हमेशा गर्मा गर्म खाना ही खाना है। मूंग दाल और चावल की जो खिचड़ी बनती है वो भी जैसे ही बन जाए अपनी कटोरी पर लो, उसमें घी डाल लो, फटाफट से गर्मा गर्म खा लो, उससे भी मिल्क बढ़ता है। और जैसे ही रोटी बनती है वो भी गर्मा गर्म ही खाओ। आपके पेट के अंदर जितना गर्म खुराक जाएगा उतना आपका मिल्क बढ़ता रहेगा और वो जारी रहेगा, वरना कुछ दिनों में आपका मिल्क एकदम कम हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, एक मेन मुझे बात बताई थी डॉक्टर ने, मेरे डॉक्टर ने, मैंने उसे बोला था कि माँ का दूध बढ़ाने के लिए क्या करना है, तो उसने मुझे बोला कि बाहरी टेंशन छोड़ दो, परिवार का टेंशन छोड़ दो, और किसी का टेंशन छोड़ दो, खुद का भी टेंशन छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ खुश रहो, इंजॉय करो, अपने बच्चे पर ध्यान दो, अपने माइंड से स्ट्रेस छोड़ दो। जैसे ही स्ट्रेस माइंड से निकल जाएगा आपका दूध बढ़ता रहेगा, कम नहीं होगा। तो आपको भी अपने दूध को बढ़ाने के लिए, अपने बच्चे के लिए अपना हर टेंशन है वो फेंक दीजिए और स्ट्रेस छोड़ दीजिए ताकि आपका बच्चा सेहतमंद रहे। तो अगर मेरे पास इतनी माहिती है तो मैंने आपको बता दी। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आपके फ्रेंड के साथ इसे शेयर कीजिए, जिसे उसके भी उसे भी इन सारी चीज़ों से लाभ हो। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।